और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर काज गिरी है, लेकिन जगदलपुर शहर की महिला कांग्रेस नेता ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के विरोधी मानहानि का दावा ठोक दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपने बागी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए कई पदाधिकारियों को निष्कासित भी किया है। इसी कड़ी में जगदलपुर शहर में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य ने भी आला कमान के निर्देश पर जगदलपुर शहर की पूर्व महिला अध्यक्ष कमल झज को पार्टी विरुद्ध कार्य का हवाला देकर 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासन आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद सियासी खलबली मच गई और महिला नेता कमल झज ने पार्टी अध्यक्ष सुशील मौर्य को ही मानहानि का नोटिस थमा दिया। महिला नेता कमल झज ने बताया कि कांग्रेस के पद एवं प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, फिर निष्कासन की प्रक्रिया कैसे। कमल झज ने रफ्तार मीडिया के साथ खास चर्चा की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस पार्टी को मैंने 11 महीने पहले छोड़ दिया, 11 महीने पहले उस पार्टी के सभी पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया, साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये निष्कासन की जो प्रक्रिया हुई है ये बहुत ही हास्यास्पद है। इसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। जिस पार्टी में मैं हूं ही नहीं, उसका निष्कासन कैसा और उसमें किसी का आना कैसा और जाना कैसा, जब मैं उस पार्टी से 11 महीने पहले यानी 27 जनवरी को मैंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मैं इस पार्टी की ना तो अब सदस्य हूं, ना ही मैं इस पार्टी के किसी पद पे सुशोभित हूं। मान मनोबल की बात आनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं पार्टी से संतुष्ट होती तो मैं पार्टी के पदों से इस्तीफा क्यों देती, और अगर मैं पार्टी की मोनोपली से खुश होती तो मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा क्यों देती। मुझे मान मनोबल की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से भाजपा के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार किया है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि जब मैं पार्टी छोड़ चुकी तो मैं एक आम आदमी बन चुकी, और एक आम आदमी बनने के बाद व्यक्ति किसको पसंद करता है, उसको कौन सा प्रत्याशी अच्छा लगता है, उसको अपने विधानसभा के लिए कौन विधायक अच्छा लगता है, उस पर किसी का जोर नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे मुझे जो ठेस पहुंची है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस पार्टी के लिए मैंने लगातार 5 साल काम किया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने काम किया था उस चीजों को भूलते हुए जब मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो मेरे बारे में जिक्र होना भी, मैं नहीं चाहती कि वहां मेरे बारे में कोई जिक्र भी हो। अभी फिलहाल तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष सुशील मौर्य जी को नोटिस भेज दिया है जिसमें मैंने मानहानि का दावा किया है, और आगे देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सुशील मौर्य जी निश्चित रूप से अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए जगदलपुर से सुनील साहा।